Good evening, good evening. बढ़िया हूँ अतुफाई नाम बढ़िया हूँ रवि चौधरी हेलो गरिमा गुड इवनिंग बेटा ऑनलाइन में क्या ट्रीट देंगे बताओ <laughs> अब फिजिकल क्लासेस होती खा पी लेते अब ये ऑनलाइन में मैं दिखा देता हूँ एक चॉकलेट की इमेज दिखा देता हूँ <laughs> हाँ हाँ ठीक है ठीक है चलो बिल्कुल डन बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ग्रेट आइडिया है मैं बिल्कुल लेता हूं ऐसा ही सुशांत कुमार हेलो गुड इवनिंग बताइए कुछ नहीं ओके जब भी कोई डाउट रहेगा तो आप ये ऑप्शन का यूज करके मुझसे बात कर सकते ठीक है चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आपको मिलेगा सरप्राइज ठीक है मिलेगा सरप्राइज वेट 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 ओके कल बताऊंगा मैं सरप्राइज के बारे में चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करते हैं क्लास को हम मेरा नाम भूषण अटवार है और मैं आप सभी को मैं आप सभी को नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर नून एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इवेल्यूशन ए चैप्टर इवोल्यूशन और शाम सात से आठ बजे तक डेली लाइव क्लास होती है विजिट माय यूट्यूब चैनल भूषण साइंस नीट एंड द ओल्ड यूट्यूब चैनल भूषण साइंस अच्छा फिफ्टी परसेंट हो गया है ओके 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 ठीक है हाँ एटीन प्लस का एक्सपीरियंस भी है ओके okay, चलिए जितनी तुम्हारी उम्र है तुम लोगों की उतना तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते दिन हो गए हैं चलिए ओके okay? तो हम लोग आज बात करेंगे पहले एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की इसकी बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस अगर आप देखेंगे तो मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब ये रहेगा कि जैसे जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है है ना एनिमल्स की क्योंकि हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि हम में और जो अदर लेस इवोल्व ऑर्गेनिज्म जो है, उन लोगों में क्या कनेक्शन है मतलब हम कहीं लेस इवोल्व जो ऑर्गेनिज्म है क्या उनसे डेवलप होकर आए हैं यानी हमारा इवोल्यूशन वहां से हुआ है ये हम कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम पढ़ रहे हैं एविडेंसेस ऑफ एविडेंसेस ऑफ ए इवोल्यूशन करेक्ट तो इसमें इसमें जो है हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग करेक्ट इसके अंदर में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस जो है हम लोग देख चुके थे अब दूसरा जो है हम लोग देख रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस अब देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल या एविडेंसेस इसको हम कैसे समझेंगे कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में है ना जैसे आप मान लीजिए कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर तीन जर्म लेयर बनती है जिनको हम लोग ट्रिपलो ब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं ट्रिप्रो ब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं याद आ रहा है आपको हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि अर्ली डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म इज़ सिमिलर करेक्ट मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका जब आप अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे तो वो अलग अलग एनिमल्स का सेम दिखाई देता है इसका मतलब वो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं पहले एक ही ऑर्गेनिज्म से डेवलप होकर अलग अलग दिख दिखने लगे हैं तभी तो उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक जैसा था बात कि नहीं समझे जैसे हमने सब्जी का मसाला एक बना लिया अब उसी सब्जी के मसाले से पालक पनीर भी बन रहा है चिकन तरी भी बन रहा है आलू की सब्जी भी बन रही है भिंडी मसाला भी बन रहा है तो ये ऐसा हो गया कि अर्ली डेवलपमेंट जो है वो सेम है तो जैसे आप मान लीजिए कि प्लेटी हेलमेंथिस प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी में आपको तीनों जर्म लेयर बनते हुए दिखती है ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलने का मतलब मिजोडम एक्टोडाम और एंडोडम ये तीन जर्म लेयर इन सभी में बनती है इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर मेमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले एक ही जगह पर रहे होंगे एक ही स्ट्रक्चर से हम लोग बन के बाहर आए हैं बात क्लियर हुई यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बात क्लियर हुई क्या टाइम इज ओवर राजबाबू क्या बोल रहे हो राज बाबू ओके कोई बात नहीं हाँ अब बोले हो क्लियर ठीक है मैं एक मिनट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस निकाल ले रहा हूँ तो नेचुरल सिलेक्शन आ गया लास्ट में ये देखो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हाँ ये आ गया आपका एम्ब्रियोलॉजिकल देखो यहां पे यहां पे ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है इट इज प्रपोज बाय द अन हैकल नाम के साइंटिस्ट थे करेक्ट he observed that the vertebrate embryo have some common features that are absent in adult that is all vertebrate embryo including human develop vestigial gill slits ye hum log abhi dekhne wale hain theek hai yahan pe sirf itna jaan lo ki Uh, जो तीनों की तीनों जर्म लेयर जो है वो सब में देखने को मिलती है जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैंने बोला आपका एक सेकेंड ओके थर्ड चैप्टर नेम जो है इवोल्यूशन चैप्टर नेम क्या है इवोल्यूशन ठीक है ना एक सेकंड बेटा स्लाइड यहां वहां हो गई है एक सेकंड बिल्कुल शिवानी शर्मा स्वागत है आपका बेटा ओके ये हाँ तो जैसे मैंने बताया कि प्लेटी हेलमेंथिस से लेके मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है इन सभी में पहले जायगोड बनेगा जयगोड के बाद जो है ब्लास्टुलेशन होता है ये हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ा था तो पूरा हमने समझा इसको फिर उसके बाद ग्रेस्टुलेशन होता है ग्रेस्टुला फॉर्मेशन होता है है ना और उसके बाद जो है थ्री जर्म लेयर, मतलब कि वो जो मैंने ऊपर बताया था एक्टोडम मिजोडम एंडोडम ये सब बनती है ओके ये हो गया पहला कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल अब उसके बाद आप देखिए दूसरा आप बोल सकते हो कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स अर्ली डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है अब देखो यहां पर कि वर्टिब्रेट में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है तो जैसे आ, सभी जो वर्टिब्रेट्स है वो सभी वर्टिब्रेट में इनिशियल लेवल पे इनिशियल लेवल पे जो है सब में टेल बनती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में उन सभी में जो है गिल स्लिट्स बनती है उन सभी में आइज बनती है और ईयरबड्स बनते तो ये पाया गया कि भैया जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है कुछ कॉमन चीजें मिल रही है है ना मतलब वो सभी वर्टिब्रेट जो है कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से ही डेवलप हुए हैं गिल फ्लिश गिल स्लिट्स मतलब होता है ये आपके इसमें प्रेजेंट होता है फिश में लंग्स के लिए है ना जैसे मैं यहां पे अगर आपको इमेज दिखाऊँ, ये देखो ये दिख रहा है गिल स्लिट्स ये फिश में भी देखने को मिलता है रेप्टाइल्स में भी मतलब सांप वगैरह में भी देखने को मिलता है बर्ड में भी देखने को मिलता है और ह्यूमन में भी देखने को मिलता है तो आप देखो इन सब में अगर गिल स्लिट देखने को मिल रहा है इन सब में अगर टेल देखने को मिल रहा है देखो इन सब में टेल देखने को मिलता है मतलब ये कहीं कही ना कहीं पूरे के पूरे जो वर्टिब्रेट है ये आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन गिल स्लिट जो है ये सिर्फ आपको फिश में फंक्शनल पाई जाएगी रेप्टाइल में भी फंक्शनल नहीं मिलती बर्ड में भी नहीं मिलती और ह्यूमन में भी नहीं मिलती है ना हाँ शिवानी एकदम सही बात समझ में आया बात समझ में आई क्लियर कि कैसे ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलप जो एविडेंसेस है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं है ना चलिए अब देखिए यहां पर एक टेम्पररी एम्ब्रियोनिक एंब्र, भी है स्ट्रक्चर ठीक है तीसरा तीसरा टेम्प्ररी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर तो कुछ टेम्प्रेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर भी है जैसे आप देखोगे तो जो बर्ड्स होते हैं है ना बर्ड्स जो है वो अंडे देते हैं तो अंडे के अंदर जो उनके चूजे जो रहते हैं ना उनमें जो है एग टूथ होते हैं और हैचिंग के दौरान हैचिंग के दौरान जो है ये एग टूथ जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं मतलब आप ये बोल दो कि बर्ड्स में जो है दांत तो होते नहीं है दांत तो होते नहीं हैं लेकिन उनके यौक में मतलब अंडे में जब वो बर्ड्स होते हैं तो उसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ये ये जो है जैसे ये वाला एग टूथ वाला जो फीचर है ना ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है किसमें ये रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स के दांत होते हैं है ना तो रेप्टाइल्स में आपको टूथ मिलेगा तो एक टूथ आपको बर्ड के बर्ड में भी देखने को मिल रहा है बर्ड के एग में भी देखने को मिल रहा है और रेप्टाइल्स में भी देखने को मिल रहा है हालांकि बर्ड में ये डिसअपियर हो जा रहा है लेकिन रेप्टाइल में ये बर्थ के बाद डिसअपियर नहीं हो पा रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही कनेक्शन से जुड़े हुए हैं उनका एम्ब्रियोनिक लेवल जो है वो तो सेम है ना एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम दिख रहे हैं और क्योंकि रेप्टाइल में टिथ जो है वो डिसपियर नहीं हो रहे हैं जबकि बर्ड में जो एग टीथ है वो आपके डिसपियर हो रहे हैं इसीलिए हम कहते हैं बर्ड्स आर कॉल्ड एज ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स इनको क्या बोला गया है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बोला गया है क्योंकि देखो एग टूथ रेप्टाइल में भी होता है और बर्ड के एग में भी होता है करेक्ट अब देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में ही एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में ही एक और एविडेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थेरी री कैपिटुलेशन थ्योरी ये रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या बोलती ठीक है रिकैपिटुलेशन थ्योरी आप देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया कि कभी भी जनरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जनरल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो बाद में डेवलप होते हैं क्या मतलब है इसका जनरल स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे ब्रेन ये सबके पास है सभी एनिमल के पास ऑर्गेनिज्म के पास आपको ब्रेन मिलेगा सभी के पास आपको स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा सभी के पास आपको एक्सिल्स कलेटन मिलेगा तो ये क्या हो गया जनरल स्ट्रक्चर लेकिन स्पेशल स्ट्रक्चर क्या हो गया जैसे बर्ड्स में फिदर होना फिदर होना है कि नहीं या फिर मैमल्स में हेयर होना ये आपके क्या कहलाएंगे स्पेशल स्ट्रक्चर अर्लियर देन द स्पेशल स्ट्रक्चर बात समझ में आई क्या क्या बोल रहे हैं रिकैपिटुलेशन थेरी रिकैपिटुलेशन थेरी क्या बोल रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर में मैं लिख देता हूं जैसे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है ना फिर उसके बाद एक्सियल uh, स्केलेटन ये सभी के पास रहेगा ये जनरल स्ट्रक्चर कहलाते हैं लेकिन वहीं पे स्पेशल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं जैसे पिदर्स द बर्ड करेक्ट हेयर इन द मैमल्स ये जो है आपके कहलाते हैं ठीक है अब यही रिकेपिटुलेशन थेरी जो है बाद में बायोजेनेटिक लॉ के नाम से एक और साइंटिस्ट ने मतलब ये जो रिकेपिटलेशन थे किसने दिया था यह दिया था वॉन बियर ने एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन बियर उन्होंने ये थेरी को प्रपोज किया था लेकिन बाद में जो है दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्स हैकल मैं उनकी फोटो आपको पीछे दिखाया हूं उन्होंने जो है इसको मॉडिफाई कर दिया और इसको बाद में जाना जाने लगा बायोजेनेटिक लॉ बायो लॉ बाय आर एन एस टी अंस्ट हैकल करेक्ट हैकल तो यहां पे उन्होंने क्या बोला कि ऑन्टोजेनिसिटी ऑन्टोजेनिसिटी ए सॉरी ऑन्टोजेनी ऑन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी ऑन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी हाँ रुबेन जी नमस्ते तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी मतलब क्या होता है मतलब ऑन्टोजेनी मतलब होता है ओन कैरेक्टर्स या ओन डेवलपमेंट और फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्रल डेवलपमेंट यानी हमारे खुद के हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारा स्ट्रक्चर बनने के पहले हमारा स्ट्रक्चर बनने के पहले हम ये बोल सकते हैं कि हम जो है हमारे एंसेस्टर के जैसे पहले डेवलप हुए फिर उसके बाद हम खुद बने हैं मतलब पहले हमें पूछ आई थी तो हमारे एंसेस्टर के जैसी गिल्सलिट्स आए थे हमारे एंसेस्टर के जैसे है ना और उसके बाद हम अपने तरीके से डेवलप हो गए कि गिल्सलिट जो है वो अब डिस होके लंग्स बन गए हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल का टेरेस्ट्रियल फीचर है तो ये कहलाता है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी अगर ये बात समझ आई होगी तो लिखो बायोजेनेटिक क्या लिखो बायोजेनेटिक ठीक है फिर यहीं पर एक और जैसे मैं आपको फैक्टर बता दूसरे ऑर्गन डेवलपमेंट ठीक है ना ऑर्गन डेवलपमेंट ऑर्गन डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो हमारा जो हार्ट बनता है पहले मछली का हार्ट बनता है पहले किसका हार्ट बनता है मछली का हार्ट बनता है फिर जो है मेंढक का हार्ट बनता है फिर हमारा हार्ट बनता है बोलने का मतलब क्या है कि ऑर्गन डेवलपमेंट तो जैसे हमारा हार्ट जो है उसमें चार चैम्बर है।, है चार चैंबर लेकिन ये चार चैम्बर बनने के पहले ये सबसे पहले दो चैम्बर बना दो चैम्बर हार्ट बना फिर उसके बाद हमारे हार्ट में तीन चैम्बर बने और उसके बाद चार चैम्बर बने तो ये जैसे दो चैम्बर तीन चैम्बर वाला जो है ये एक्वेटिक एनिमल्स में जनरली पाया जाता है किस में पाया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले करेक्ट और ये जो फोर चैम्बर वाला हार्ट है ये जैसे आपको मैमल्स में देखने को मिल जाएगा और बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा तो देखो किस तरीके से हमारा जो ओरिजिनल हार्ट है वो कहीं ना कहीं एक्वेटिक एनिमल के हार्ट जैसा पहले था और उसके बाद वो वैसा हुआ ऐसा ही जो है ब्रेन और किडनी के साथ भी एप्लीकेबल है ब्रेन और किडनी के साथ भी ऐसा ही होता हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं दीक्षित बिल्कुल हंड्रेड परसेंट बोल सकते ठीक है यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ ठीक है तो ये आपके हो गए पूरे के पूरे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलप एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस अब हम बात करेंगे पैलेंटोलॉजिकल की अब हम किसकी बात करेंगे पैलेंटोलॉजिकल ये देखो ये है पैलेंटोलॉजिकल तो पैलेंटोलॉजिकल जो एविडेंसेस है ठीक है ये मतलब सब जो है फॉसिल की स्टडी अब फॉसिल मतलब क्या हो सकता है फॉसिल यानी ये देखो ये इमेजेस डिस्प्ले कर रही है फॉसिल को व्हाट इज फॉसिल ये जैसे किसी एनिमल का पूरा का पूरा स्केलेटन अगर मिल जाए उसको भी फॉसिल बोल सकते हैं अगर उनके इंप्रेशंस मिल जाए तो उसको हम फॉसिल बोल सकते हैं पूरा का पूरा एनिमल ही मिल जाए उसको फॉसिल बोल सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये पैलेंटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड फॉसिल्स आर द रेमनेंट्स ऑफ लाइफ फॉर्म इसको आपको याद रखना है दीज आर द रेमनेंट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच एग्जिस्टेस लॉन्ग टाइम अगो है ना और ये जो रेमनेंट ऑफ लाइफ फॉर्म है यह रॉक के ऊपर मिल सकते हैं अर्थक्रस्त के ऊपर मिल सकते करेक्ट रेमनेंट्स मींस अवशेष बचे हुए है ना समझ में आया फॉसिल ठीक है तो हम लोग पैलेंटोलॉजिकल मतलब हम बात करेंगे फॉसिल की अब आप देखिए कि जैसे मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो जैसे मुझे कोई फॉसिल मिल गया बहुत बड़ा कोई जो है कंकाल पड़ा हुआ मिल गया कहीं पे जमीन में दबा हुआ और मैं जो है खुदाई कर रहा था तो मेरे जमीन घर बनाने के लिए खुदाई कर रहा था तो वहां पर मुझे जो है बहुत बड़ा एक ये मिल गया क्या मिल गया कंकाल मिल गया स्केलेटल मिल गया फॉसिल मिल गया बहुत बढ़िया ठीक है तो क्या मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो दो साल पुराना है दस साल पुराना है दस हजार साल पुराना है दस लाख साल पुराना है कितना पुराना है कितना पुराना है तो एज ऑफ फॉसिल एज ऑफ फॉसिल्स जो है इस डिटरमाइंड बाय इट इज डिटरमाइंड बाय कार्बन डेटिंग उसको अपन लिखते हैं सी डेटिंग कार्बन डेटिंग से जो है हम पता कर सकते हैं और ये कार्बन डेटिंग जो टेक्निक है ये दी थी साइंटिस्ट जिनका नाम था लिबी बाय लिबी करेक्ट कार्बन डेटिंग से बहुत बढ़िया जैबियत है. है ना तो ये जो पैलेंटोलॉजी है उसके पिताजी कौन है फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी फादर का नाम है इनके लियो ए लोवियोनाइट डेविनो करेक्ट और जो फादर ऑफ मॉडर्न पैल पैलेंटोलॉजी कहा गया है फादर ऑफ फादर मॉडर्न पैलेंटोलॉजी जो है उनका नाम है जी कुवियर क्या नाम है जी कुवियर अब जैसे एविडेंसेस जो है ये अल्टीमेटली में क्लियर कट है कि भैया फॉसिल के ऊपर से हम स्टडी कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको मिसिंग लिंक वाला जो पिछले क्लास में बताया था वो अपन यहां पे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कि इसमें पहला एग्जाम्पल आ जाता है मिसिंग लिंक का मिसिंग लिंक का पहला एग्जाम्पल रहता है मतलब मिसिंग लिंक मतलब हम बोल सकते हैं आर मतलब वो जो अब खत्म हो चुके हैं वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट उसको हम बोलेंगे मिसिंग लिंक करेक्ट उसको हम बोलेंगे मिसिंग लिंक अब जैसे मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे एक है आपका आर्क्योटेरिक्स आर्क्योटेरिक्स जो है ये फॉसिल है ये अब एग्जिस्टेंस में नहीं है ये कैसा दिखता था है ना क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं ये तो भाई विलुप्त हो चुके हैं ये अब तो है ही नहीं बचे ही नहीं है बेचारे संसार में खत्म हो गए हैं इसे तो इनको मिसिंग लिंक में लिए हैं हम लोगों ने नहीं तो कैक ले लेते मिसिंग लिंक में है ना तो यहां पे क्या है कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है बेटा उसके बारे में अपन डिटेल में नहीं पढ़ सकते वो हमारे सिलेबस में नहीं है बस नाम याद रख लो कि एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसा दिखता था आर्क्योटेरिक्स इसमें जो है दो तो अलग अलग एनिमल के करेक्टर थे एक तो ये इसमें रेप्टाइल्स के भी कुछ करेक्टर थे और बर्ड्स के मतलब एवियंस के भी कुछ करेक्टर थे है ना रेप्टाइल्स के जैसे इनमें जो है टिथ थे करेक्ट देन उसके बाद जो है इनके पास प्री कॉर्डल वर्टिब्रे थे करेक्ट इसके पास क्लॉज था सी एल ए डब्ल्यू एस क्लॉज है ना और एवियन जैसा इसके पास क्या था बिक थे और विंग्स था है ना और इसके अगर पैर के तरफ देखे तो इसके पास थ्री फिंगर्स थे फोर टोस थे करेक्ट इसका जो स्टर्नम था वो थोड़ा सा अलग शेप का था जिसको अपन बोलते हैं की नील्ड स्टर्नम मतलब जो विंग की जो मसल्स होती है ना उसके अटैच होने के लिए जगह होती है ठीक है तो देखो यहां पर आर्कियोटेरिक्स के बारे में हम कैसे पता लगा पाए उसके फॉसिल के ऊपर से कि उसमें कुछ करेक्टर आपको रेप्टाइल्स के भी मिल रहे हैं और कुछ करेक्टर आपको एवियन के मतलब बर्ड्स के भी मिल रहे हैं Great. अब जैसे प्लांट में ले लो ये तो एनिमल की बात हो गई प्लांट में आप देखो जैसे एक हो सकता है टेरिडोस्टम तो जो होता है इसमें दो प्लांट के करेक्टर आपको देखने को मिलते एक तो फर्न के देखने को मिलते हैं फंस और दूसरे आपको देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म तो जो है जैसे उसके सीड आपको देखने को मिलेंगे देन उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है और फॉर्म के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं ठीक है तो इस टाइप से आप पैलेंटोलॉजिकल स्टडी को जो है समझ सकते हो ठीक है यहां तक बात क्लियर फिर अपन जो है जैसे आ, अर्थ जो होता है ना उसकी अलग अलग लेयर है जैसे ये मान लो अर्थ है तो उसकी अलग अलग लेयर होती है ये लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटा तो एनिमल का जो फॉसिल है एनिमल का जो फॉसिल है ऑर्गेनिज्म का जो फॉसिल है वो फॉसिल कौन सी लेयर में मिला है कौन से स्ट्रेटा में मिला है उसके ऊपर से भी आ, उसका एज पता किया साइंटिस्ट के पास पूरा डेटा है कि भैया अर्थ के सॉइल का कौन सा आ, स्ट्रेटा जो है वो किस टाइम पे डेवलप हुआ था तो वो जो है आ, कौन से स्ट्रेटा में मिला उसके ऊपर से भी एज ऑफ फॉसिल जो है वो निकाल पाना इजी हो जाता है ठीक है बात क्लियर चलिए ब्रेकआउट का टाइम हो गया नहीं यार अब अपन बात करेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की अरे बेटा ब्रेकआउट ठीक है लेकिन हमें खत्म भी तो करना है क्या सिलेबस कि नहीं करना है ये देखो अब हम बात करेंगे किसकी बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की बायोजियोग्राफिकल है ठीके? तो देखो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस इसी को हम एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से हुआ वाला या एडाप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं ठीक है सीधा सीधा जान लो इसको डायरेक्ट ज्यादा झंझट नहीं ठीक है अब देखो आप क्या होता है कि एडाप्टिव रेडिएशन मतलब क्या एडाप्टिव रेडिएशन मतलब इवोल्यूशन बाय एडाप्टेशन। एडाप्टेशन की वजह से एडाप्टेशन। मतलब कि उनमें जो है कुछ आ, ऐसा एम्ब्रियोलॉजिकल चेंजेस कुछ नहीं हुए लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट की वजह से अपने जरूरतों की वजह से अपने साइज और शेप में स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते चले गए करेक्ट तो जैसे इसी को हम बोलते हैं अडाप्टिव रेडिएशन ठीक है तो एडाप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिस इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट मतलब कि जैसे जो डार्विन फिंचेस है उसका कंसेप्ट क्या था कि एक बहुत बड़ा आइलैंड था एक बहुत बड़ा आइलैंड था ठीक है वो आइलैंड पे जो है छोटे 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 छोटे, -छोटे बाविस आइलैंड थे या हाँ ठीक है चलो यही बता देता हूं ये ऐसे छोटे 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 बाविस आइलैंड थे अब वहां पे क्या है कि हर एक आइलैंड पे हर एक आइलैंड पे जो है देखो ये फिंचेस मिल रही है सबके बीक शेप जो है आपको अलग अलग दिखेंगे तो डार्विन ने डार्विन ने जो फिंचेस बताई है वो यही वाली फिंचेस बताई है तो डार्विन साहब ने क्या किया था डार्विन साहब जो थे तो उन्होंने डार्विन फिंचेस तो वो डार्विन ने ढूंढ के निकाली थी उनको इसलिए उसको डार्विन फिंचेस बोलते हैं और डार्विन फिंचेस में क्या होता है कि ये सबसे पहली तो छोटी 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 होती है ठीक है और ये एक ब्लैक बर्ड्स है काली कलर की ब्लैक बर्ड्स ठीक है ये कहाँ पे मिलती है हाँ गैलापागोस आइलैंड में करेक्ट ये बोल सकते हैं कि दे आर फाउंड गैलेपेगोस आइलैंड क्या बोल रहे हो जेवियर सर इवोल्यूशन चैप्टर में लास्ट में पढ़ाते टर्म दो के बाद क्योंकि ये डिलीटेड है मतलब नहीं समझा और ये गैलेपेगोस आइलैंड जो है इसके अंदर बाविस छोटे छोटे आइलैंड थे ठीक है बाविस छोटे छोटे आइलैंड थे और यह जो है वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में ये है जगह अब एक बार क्या हुआ कि डार्विन साहब जो है बेटा ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से डिलीटेड है नीट से डिलीटेड नहीं है मैं पच्चीस बार आपको बता रहा हूं नीट वाले आपको छूट नहीं देंगे उनको डॉक्टर बनाना है कंपाउंडर नहीं बनाना है यू नीड अ थरो नॉलेज अगर आप यहां पे इतनी छोटी छोटी बुक पढ़ने से घबरा रहे हो तो एम की इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ोगे बेटा अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आप ये बात समझो ना कि हम लोग कोई रीजन होगा तभी तो पढ़ा रहे हैं एल एन के उठा के देखना आप लोग एल एन की हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी इतना डिटेल में पढ़ाते हैं वो लोग तभी तो वहां से बच्चे क्वालिफाई करते हैं ठीक है तो डार्विन जो है डार्विन में जो है डार्विन जो है एक बार एक शिप यूज करके जिसका नाम था एच एम ये शिप का यूज करके वो डार्विन जो है ये असल में गैलेपेगस आइलैंड तक गया था ठीक है अब ये शिप का नाम भी आ चुका है एग्जाम में मालूम है आपको फिर उस गैलेपेगस आइलैंड पे इस डार्विन ने क्या देखा कि देर आर ट्वेंटी वेराइटीज ऑफ ट्वेंटी वराइटीज ऑफ बर्ड और वो सभी जो ट्वेंटी वराइटीज थी वो अपने साइज में और बीक शेप में ये एक दूसरे से अलग थी बाकी सब कुछ सेम कलर फलर ये वो सब कुछ सेम सिर्फ उनका बीक का शेप अलग था है ना और जो है ये ऐसा अब देखो ये इनका बीक का शेप अलग है ये देखो सब के बीक के शेप अलग अलग है अब उस ये ये सोचने लगा कि भाई ये सब के बीक के शेप अलग अलग कैसे हैं इनका साइज अलग अलग कैसा है ठीक है ना तो उन्होंने क्या सोचा तो उन्होंने इसको डार्विन फिंचेस बोला गया और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर डेविड लैक उन्होंने क्या बोला कि ये सभी की सभी जो डार्विन फिंचेस की ट्वेंटी स्पेसीज ट्वेंटी वेराइटीज जो है दे आर एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम इवॉल्व फ्रॉम रेन इटिंग वेराइटी मतलब पहले ये सभी जो फिंचेस थे वो एक ही थे और इन्होंने जो है ये पहले ग्रेन खाते थे लेकिन इस आइलैंड पे आने के बाद इनकी जो फूड हैबिट्स है इनकी जो फूड हैबिट्स है उस फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इन में जो है इवोल्यूशनरी चेंजेस आने लगे एडाप्टिव रेडिएशन आने लगे जिसकी वजह से इनका बीक शेप जो है बदल गया आप देखिए यहां पर ये सभी फिंचेस ने जो है अपने बीक में अलग-अलग टाइप -अलग का मटेरियल जो है वो कैरी किया हुआ है देखो आप ध्यान से देखो दो मिनट मतलब इनकी फूड हैबिट्स जो है वो अलग-अलग है और फूड हैबिट्स अलग-अलग होने की वजह से उनमें जो है ये वेरिएशन आ गए हैं और ऐसा जो वेरिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बायो जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफिकल मतलब जियोग्राफी मतलब कि भूगोल मतलब कि लैंड एरिया और बायो मतलब कि बायोलॉजिकल तो लैंड एरिया की वजह से रहन सहन की वजह से फूड हैबिट की वजह से जो बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं ये वाले जो एडाप्टेशन हैं उसके एविडेंसेस हम लोग देख रहे हैं बात क्लियर यहां पे, यहां पे बात क्लियर है ना ये हो गया आपका डार्विन डार्क तो हमेशा एक पॉइंट से ये सब कुछ स्टार्ट होता है ठीक है तो जैसे आपका डार्विन फिंचेस वाला एग्जाम्पल हो गया ऑस्ट्रेलियन मार्सुशियन हो गया प्लेसेंटल एनिमल्स हो गया ये सब है देखो यहाँ पे देख लो आप मोल वगैरह देख लो ये दोबारा देखने नहीं मिलेंगे मोल कैसा होता है एंट्रेटर कैसा होता है माउस कैसा होता है लेमर कैसा होता है फ्लाइंग स्क्रेल कैसा होता है बॉप कैट कैसा होता है वॉल्फ कैसा होता है ये सब को आप देख लीजिए ठीक है फिर उसके बाद क्या है मैं नाम बताऊँगा तो वो सब नहीं बताऊँगा अब उसके बाद एक टर्म यहां पे दो टर्म कर लेते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में तो उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट लेंगे ठीक है तो जैसे आपका देखो मैं आपको दूसरा बता रहा हूं बायोजियोग्राफिकल अरे भैया हंड्रेड परसेंट इनफ है बेटा डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं जिनके ऊपर से क्वेश्चंस लगातार आते हैं है ना तो हम ये बोल सकते हैं कि फालतू के क्वेश्चन में नहीं ले रहा हूं यहां पे या फालतू के टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं चलो इसको अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे नेक्स्ट क्लास में अभी मैं ब्रेकआउट ले लेता हूँ